हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाने चल रहा हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार वह विद्या है जिसके द्वारा किसी काव्य की शोभा बढ़ती है, यानी जिस विद्या के उपयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है, हमारे वार्तालाप की शोभा बढ़ती है, किसी वस्तु की शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार का साहित्य में वही स्थान है जो आभूषण का स्त्री के साथ में, जिस तरह से आभूषण स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाता है, स्त्री को सुंदर दिखाता है, ऐसे ही जो अलंकार है, अलंकार भी हमारी भाषा को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। एक अलंकारिक वाक्य में एक सामान्य वाक्य में बहुत ही अंतर होता है, मीनिंग भी बहुत ही अच्छी लगती है, बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए आप कहते हैं एक सामान्य सेंटेंस कि तलवार मनुष्य को काट रही है, एक सिंपल सेंटेंस है। यदि आपने इसको ऐसे कहा कि तलवार रुधिर से प्यास बुझाने के लिए नागिन की भांति लपक रही है, दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन कहने में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए एक सामान्य वाक्य में एक अलंकारिक वाक्य में कितना अंतर है। यदि हम कहते हैं कि सीता सुंदर है, क्लियर, ये सामान्य वाक्य हुआ। यदि हम कहते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह भी एक वाक्य है, दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन वाक्य सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अर्थात कोई अलंकारिक वाक्य जो होता है वह बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो उसी अलंकार के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि अलंकार तो कई होते हैं लेकिन क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में अलंकार सिर्फ 7 ही हैं जिसे हमें जानना है। जैसे इसमें सर्वप्रथम आता है सिमिली। सिमिली को हिंदी में हम कहते हैं उपमा, क्लियर, सिमिली को कहते हैं उपमा। इसका डेफिनेशन देखिए, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट। As she is lovely like a rose, श्रीमती इंदिरा गांधी was a firm as a rock. Third example, how for that little candle throws his beams, so shines as a good deed in a naughty word, clear? तो इस तरह से आपने सिमली का डिफिनेशन देखा। सिमली के डिफिनेशन में दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर होता है, तुलना होता है और किसी एक गुण को दिखाया जाता है
किसी एक गुण में समानता दिखाई जाती है। जैसे अभी हमने बताया आपको सी इज लवली लाइक रोज, जो लवली है वह सी और रोज दोनों में समानता दिखा रहा है। क्लियर? तो इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है। या श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज एज फर्म एज रॉक, श्रीमती इंदिरा गांधी चट्टान की तरह से दृढ़ थी। क्लियर? तो इस तरह से आपको सिमिली समझ में आ गया होगा। सिमिली में फिर से देख लीजिए, सिमिली में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर होता है, तुलना होता है, और कोई जो एक विशेषता है उसे दिखाया जाता है, बताया जाता है। जैसे आपने पहले सेंटेंस में लवली देखा, दूसरे सेंटेंस में फॉर्म, फॉर्म दृढ़, जो फॉर्म शब्द है वह इंदिरा गांधी के लिए आया हुआ है और रॉक के लिए आया हुआ है, यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर होता है। पहचानने का सबसे आसान तरीका है इसमें लाइक एज शो का प्रयोग होता है। क्लियर? तो यह रहा है आपका सिमिली का डेफिनेशन और सिमिली का एग्जाम्पल। अब हम बताने चल रहे हैं सेकंड मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक। क्लियर? मेटाफर रूपक। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। इसमें भी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर होता है, लेकिन जो कंपेयर्ड वर्ड्स हैं वे प्रयोग नहीं होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेटाफर में जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, दोनों को एक मान लिया जाता है। क्लियर? तो एक बार पुनः हम आपको मेटाफर का डेफिनेशन बता रहे हैं। मेटाफर, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। एज लाइफ इज अ ड्रीम, होप इज अ पुअर मैन्स ब्रेड। जैसे आपने देखा कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, जीवन एक स्वप्न है। होप इज अ पुअर मैन्स ब्रेड, यानी आशा गरीब आदमी की रोटी है, यानी जो गरीब आदमी होता है वह आशा पर ही जीवित रहता है, आशा के सहारे ही वह रहता है। तो इस तरह से आपने रूपक का डिफिनेशन देख लिया, समझ में आ गया होगा। रूपक, मेटाफर रूपक, इसको गुप्त उपमा भी कहा जाता है। क्लियर? तो यदि हम रूपक में लाइक एज सो लगा दें, यदि हम मेटाफर में लाइक एज सो लगा दें तो सिमिली बन जाएगा। यदि सिमिली से हम लाइक एज सो हटा दें तो वह मेटाफर बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। क्लियर? थर्ड देखते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन को कहते हैं मानवीकरण। इसका जो है पहले आप डेफिनेशन देखिए। पर्सनिफिकेशन, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट ऑफ एज पर्सन्स।
अर्थात जो पर्सनिफिकेशन है, जो मानवीकरण है, उसमें किसी लाइफलेस थिंग को, किसी निर्जीव वस्तु को हम सजीव मान लेते हैं, या ऐसे चीज को हम सजीव मान लेते हैं जो हमारे सामने नहीं होता है। क्लियर? आपने ऐसा सुना होगा यह कहते हुए कि कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। यह भी पर्सनिफिकेशन ही है। कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। कानून कोई व्यक्ति है क्या जिसके हाथ होंगे? नहीं, पर्सनिफाई किया गया है, एक व्यक्ति के रूप में इसे मान लिया गया है। या आपने सुना होगा यह कहते हुए कि दीवारों के भी कान होते हैं। बताइए भाई, दीवारों के भी कान होते हैं? दीवार कोई व्यक्ति है क्या, कोई सजीव है क्या कि जिसका कान होगा? नहीं, इसे पर्सनिफाई किया गया है, इसे व्यक्ति के रूप में मान लिया गया है। क्लियर? तो इसका डेफिनेशन देखिए, पर्सनिफिकेशन, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट ऑफ एज पर्संस हैविंग लाइफ। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, लाइफ हैज नो लेग्स, अपॉर्चुनिटी हैव अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ये आपके एग्जाम्पल रहा। हमने क्या बताया, पर्सनिफिकेशन में किसी निर्जीव चीज को हम सजीव मान लेते हैं। जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है, सबसे अच्छा गुरु होता है। जैसे लग रहा है कि जो अनुभव है कोई व्यक्ति है, व्यक्ति तो नहीं है लेकिन व्यक्ति के रूप में यहां संबोधित किया गया है, इसीलिए इसे पर्सोनिफिकेशन कहा गया है। अलाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। जैसे लग रहा है कि जो है जो झूठ है कोई लिविंग थिंग है लेकिन उसका पैर नहीं है, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर व्यक्ति का दरवाजा सिर्फ एक बार खटखटाता है, एक बार खटखटाता है। कौन? अवसर, मौका, चांस। तो यहां पर जो अपॉर्चुनिटी है उसे पर्सनिफिकेशन मानवीकरण के रूप में प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण क्या होता है। इसमें एक निर्जीव या अनुपस्थित विचार को हम सजीव के रूप में व्यक्त करते हैं, ऐसे व्यक्त करते हैं मानो कि वह चीज हो, मानो कि उसमें जीवन हो। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ, एपोस्ट्रोफी संबोधन। एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द प्रेजेंट आर टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अर्थात यह भी पर्सनिफिकेशन से ही मिलता जुलता है। अंतर सिर्फ यह है कि हम इसमें किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी ऐसे चीज को, किसी ऐसे व्यक्ति को हम इस तरह से संबोधित करेंगे मानो को वह व्यक्ति अब भी हो,
या मानिए कि वह चीज एक सजीव के रूप में हो। क्लियर? तो इसका एग्जाम इसका जो है डेफिनेशन देखिए, एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द प्रेजेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। एग्जाम्पल, ओ डेथ कम सून, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटीट। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या होता है आपने समझ लिया, एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु जल्दी आओ। जैसे लग रहा है मृत्यु कोई व्यक्ति है, कोई सजीव है और उसे जल्दी आने के लिए कहा गया है। ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु जल्दी आओ। क्लियर? अर्थात यहां पर जो है नॉन लिविंग थिंग को लिविंग में संबोधित किया गया है। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, ओ जूलियस सीजर तुम आज भी ताकतवर हो, तुम आज भी शक्तिशाली हो। अर्थात जूलियस सीजर के मरने के बाद भी लोगों का मानना था कि जूलियस सीजर अब भी है, अब भी ताकतवर है, शक्तिशाली है। तो इस तरह से आपने एपोस्ट्रोफी की देख लिया। अब इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट बताने चल रहे हैं, वह है ऑक्सीमोरन। पहले इसका डेफिनेशन देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। अर्थात इसमें बताया गया है किसमें किसी व्यक्ति के गुण को या उसके दोष को विरोधी रूप में दिखाया जाता है, यानी किसी सेंटेंस में दो अपोजिट शब्द का प्रयोग हो जाता है। क्लियर? तो डेफिनेशन विद द एग्जांपल देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। क्लियर? एग्जाम्पल, इट इज एन ओपन सीक्रेट। क्लियर? ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो ऑक्सीमोरन किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, इसके एग्जाम्पल को भी जान लीजिए। जैसे इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। खुला रहस्य है मतलब ऐसा रहस्य जिसे सब कोई जानता है, यानी जिसे सब कोई जानता है तो फिर रहस्य कैसे रहा, यानी यह विरोधी बातों को बता रहा है। नेक्स्ट, जैसे ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठा दर्द हो रहा है, दर्द भी और मीठा भी, उसे मीठा दर्द हो रहा है, स्वीट पेन। स्वीट पेन, स्वीट का अपोजिट पेन है, उसे मीठा दर्द हो रहा है, यानी यह ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास इसमें दिखाया गया है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी सब कुछ होता है। क्या मतलब रहा भाई, ये भी तो विरोधी ही बातें दिखाई जा रही है। उसके पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी सब कुछ होता है, एक बार कहा जा रहा है कुछ भी नहीं होता है फिर भी कहा जा रहा है सब कुछ होता है। यानी यहां पर दो अपोजिट वर्ड नथिंग और ऑल का प्रयोग किया गया है। नथिंग कुछ भी नहीं होता है और ऑल सब कुछ होता है, यानी यहां पर भी अपोजिट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से
आपने इन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा। नेक्स्ट मैं आपको बताने चल रहा हूं, वह है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है? हाइपरबोल नाम से ही, हाइपरबोल में किसी बात को, किसी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके या बहुत कम करके बताया जाता है। क्लियर? तो पॉलिश का डेफिनेशन देखिए, इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। अर्थात इसमें चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, सी सेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। तो 10,000 saw आई एट अ ग्लेंस। इसका फिर से हम आपको डेफिनेशन विद एग्जाम्पल बताते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। एग्जाम्पल, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, 10,000 saw I at a glance। मैंने बता दिया डेफिनेशन का, एग्जाम्पल समझ लीजिए। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, ओशंस महासागर होता है। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स मतलब वह ऐसे रोई कि उसके रोने से कई महासागर बन गए। बताइए भाई, यह क्या है? अतिशयोक्ति है, किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि वह ऐसे रोई कि उसके आंसुओं से महासागर बन गए, बहुत सारे महासागर बन गए। यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खूनों की नदियां बह चली। क्लियर? किस तरह का युद्ध हुआ? उसमें खूनों की नदियां बह चली, यानी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। 10,000 saw I at a glance मतलब 10,000 मैंने एक ही दृष्टि में देख लिया। यह विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ एक पोयम है डेफोडिल्स, इसमें ये लाइन लिखी गई है, 10,000 saw I at a glance, एक ही दृष्टि में 10,000 फूलों को देख लिया। जैसा कि उस चैप्टर में वो फ्लावर सही है, तो जबकि मतलब यह संभव नहीं है, यानी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। क्लियर? इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेवेंथ एंड लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच बताने चल रहा हूं। वह है ओनोमेटोपोइया। इसका जो स्पेलिंग है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ओनोमेटोपोइया, इसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। यानी कुछ वाक ऐसे होते हैं जिनका सेंस उनके साउंड से आता है। क्लियर? जैसे यदि कोई सांप कहीं बोल रहा हो तो हम आवाज से समझ जाते हैं कि यहां पर सांप है, या हम कुत्ता को देखें चाहे नहीं देखें,
यदि वह कहीं भौंक रहा है तो हम समझ जाते हैं कि वह कुत्ता है। हाथी देखें या ना देखें, यदि हाथी चिघाड़ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि हाथी है। तो आवाज से सेंस आता है, ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक। डेफिनेशन देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। जो साउंड है वह सेंस या मीनिंग बताता है। एग्जाम्पल, आई स्नेक हिसेस इन द बुश, आई हर्ड द वॉटर लैपिंग ऑन द क्रैग। आई स्नेक हिसेस इन द बुश मतलब सांप झाड़ी में हिस फुफकार रहा है, या आई हर्ड द वॉटर लैपिंग ऑन द क्रैग मतलब मैं क्रैग पे वॉटर लैपिंग पानी के छपछपाहट की आवाज को सुना, पानी की आवाज को सुना। यहां पर भी ध्वनि का सेंस आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको 7 फिगर्स ऑफ स्पीच बता दिया। एक बार पुनः इन सभी के नाम बता रहे हैं आपको। पहला है सिमली रूपक, पहला है सिमली उपमा, दूसरा है मेटाफर रूपक, तीसरा है पर्सनिफिकेशन मानवीकरण, चौथा है एपोस्ट्रोफी संबोधन, पांचवा है ऑक्सीमोरन विरोधाभास, नेक्स्ट है हाइपरबोल अतिशयोक्ति, और नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक। इससे इन सभी 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को मैंने डिफाइन किया, इसका एग्जाम्पल दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। यदि नहीं आया हो तो जरूर पुनः पूछने का आप प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।